हेलो दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्लाइडिंग की, स्लाइडिंग एक्सरसाइज नंबर 2। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने, मैं समझता हूँ कि वो एक्सरसाइज कर ली होगी जिसमें मैंने बताया था कि सिंगल फिंगर से स्लाइड करना है। कैसे, वो मैं आपको पहले प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो आज कुछ नया, दूसरी एक्सरसाइज जिसमें आपको स्लाइडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किस तरह से कि सा नोट से ई नोट तक, मतलब डी से डी, जो स्ट्रिंग पर डी नोट से ई नोट तक जाना है हमें, सा मतलब रे तक, सा से रे तक फर्स्ट फिंगर से। अब सा से गा तक सेकंड फिंगर से, सा से मा तक थर्ड फिंगर से, और सा से पा तक फिर से सेकंड फिंगर आएगा। तो वो मैं ग्रेजुअली समझाता हूँ कैसे आएगा। सा रे, अब सा गा, सा से गा किससे जाएंगे, सेकंड फिंगर से। कहाँ से गए हम, सा से गा तक बीट, मतलब डी नोट से और एफ शार्प नोट तक। और फर्स्ट फिंगर से कहाँ से गए, डी नोट से ई नोट तक। कैसे, मैं फिर से समझा रहा हूँ। सा रे सा गा सा मा, कहने का मतलब हम तीनों नोट्स के लिए हमने तीन फिंगर यूज़ की। कैसे, सा रे फर्स्ट फिंगर, सा गा सेकेंड फिंगर, सा मा थर्ड फिंगर, सा से मा तक मिट जाएंगे, जो स्लाइड जाएंगे। ठीक है, अब सा पा के लिए हमें सेकेंड फिंगर से जाते हैं, ना कि फर्स्ट फिंगर से। कौन से फिंगर, सेकेंड फिंगर यूज़ करेंगे। किस तरह से, ऐसे। अब फिर से या इसमें एक चेंज और भी कर सकते हैं आप। किस तरह से, सारे फर्स्ट फिंगर से, सागा सेकंड फिंगर से, सामा फिर से फर्स्ट फिंगर से। कैसे, सा धा जो नोट है वो सा धा, वो जाएगा थर्ड फिंगर से, सा धा इस तरह से। अब सा नी, वो भी किससे जाएगा, थर्ड फिंगर से। और सा सा, वो भी किससे जाएगा, थर्ड फिंगर से ले सकते हो और फोर्थ फिंगर से, वो दोनों से आप उसको कर सकते हो। किस तरह से, मैं थर्ड फिंगर से ले रहा हूँ, फिर फोर्थ से बताता हूँ। अब फोर्थ फिंगर से, ये बनता है कंप्लीट एक्सरसाइज इसका। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देखिए आप। लाइक दिस, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि किस तरह से फिंगर्स का यूज करना है। सा रे मतलब डी ई, डी से ई नोट तक कैसे जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम सा रे, तो वो फर्स्ट फिंगर से, सा गा सेकेंड फिंगर से, सा मा थर्ड फिंगर से भी जा सकते हैं और फर्स्ट फिंगर से भी जा सकते हैं। सा मा लाइक दिस, तो वो फर्स्ट फिंगर से भी जा सकते हैं और थर्ड फिंगर से भी जा सकते हैं। अब सा पा सेकेंड फिंगर से, सा धा थर्ड फिंगर से, अब सा नी भी थर्ड फिंगर से, सा भी थर्ड फिंगर से, और सा फोर्थ फिंगर से, दोनों से, थर्ड से और फोर्थ से, दोनों से आप बजा सकते हैं सा नोट को। तो मैं समझता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा किस तरह से सारे फिंगर्स को यूज़ करते हुए स्लाइड कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बताया कि सिर्फ एक फिंगर का यूज़ किया था स्लाइडिंग के लिए। अभी मैंने क्या किया इस एक्सरसाइज में, सारे फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर को भी यूज़ किया, सेकेंड को भी यूज़ किया, थर्ड को भी यूज़ किया।
तो उसका किस तरह से प्रयोग करते हैं स्लाइडिंग में, वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से मैं इसको स्लो मोशन में करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बेहतर समझ आ जाए। लाइक दिस, ओके। अभी मैंने किया क्या, फर्स्ट फिंगर का यूज किया साम माँ के लिए, तो आप थर्ड फिंगर का भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।